हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी सो so, आज हम करने वाले हैं मंथली एमसी की सीरीज का पार्ट टेन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द यूनियन मिनिस्टर सर्वानंदा सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर हैं

तीन नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट को जो है इनोग्रेट किया गया था पीएम मोदी द्वारा जिसमें से एक आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा था ठीक है नेक्स्ट आपका था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली ठीक है तो इन तीन इंस्टीट्यूट को यहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया था लास्ट ईयर नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है दे आर सेटेलाइट इंस्टीट्यूट जिनका मेन एम क्या था टू स्ट्रेंड टू स्ट्रेंडन एंड स्ट्रेंडन द रिसर्च

ठीक है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर तो आंसर आपका हो जाएगा रेजर पे एंड कैश कैश फ्री ठीक है आंसर इज बोथ बी सी आर करेक्ट इसके साथ साथ चार और ऐसी है जिन्हें जो है अभी आ, पेमेंट एग्रीगेटर या बोल सकते हो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए अप्रूवल मिल गया है आरबीआई का कौन कौन सी कंपनी है पेमेंट्स ठीक है गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस देन आपका ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एन कैश ठीक है तो ये चार फॉर्म भी थे इसमें शामिल जिन्हें

क्या है ट्रिपल एनुअल सस्टेनेबल लेंडिंग लेवल टू थ्री नाइनटीन बिलियन पर ईयर यूएस डॉलर ठीक है बाय दी थर्टी तो एक एजेंडा यह है दूसरा है ट्रिपल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पोवर्टी

ए आई आई बी देप डेवलपमेंट बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है तो इन सबके साथ वर्ल्ड बैंक एक आपका लास्ट में ठीक है थीके?

और नॉन टैक्स पेमेंट जो है वो इजीली की जा सकती है इसका मेन मोटिव क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए इजी हो जाए ठीक है डिजिटल हो जाए दैट मीन पेपरलेस यहाँ पे रहेगा ये सब चीजें ठीक है और आसानी से आप ये सब चीजें कर पाओ ठीक है तो बेसिकली आपके पेमेंट को और अच्छा बनाने के लिए इजी बनाने के लिए इसको जो है यहाँ पे लाया गया है ठीक है अब यहाँ पे जैसे 70 डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जैसे आपका हाउस टैक्स आप इसके थ्रू पे कर सकते हो देन व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स वाटर बिल एग्जामिनेशन फीस ये सारी चीजें आप यहाँ पे पे कर सकते हो ठीक है ना बंधन बैंक की बात करें तो इसके सी आपके हैं चंद्रशेखर घोष इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और वहीं पे टैगलाइन की बात करें तो आपका भला सबकी भलाई इज टैगलाइन ऑफ बंधन बैंक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन द क्वेश्चनता पॉल कुमार इंडियन पोएट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ऑनर्ड विद पोएटिक रविंद्रनाथ टेगोर लिटरेउेंड ट्वेंटी तेईस का जो रविंद्रनाथ टेगोर लिटरेरी प्राइज है वो सुक्रिता पॉल कुमार को दिया गया है इनके सॉल्ट एंड पेपर बुक के लिए ठीक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स वाली बुक के लिए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नाउ ये जो अवार्ड है ये दो हजार अट्ठारह में इसकी जो है शुरुआत की गई थी ड्रामा जो ओरिजिनली आपकी लिखी होती है किसी भी इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज में ठीक है बट ट्रांसलेटेड टू द इंग्लिश ठीक है अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैश प्राइज की बात करें तो टेन थाउजेंड यूएस डॉलर का कैश प्राइस यहाँ पे दिया जाता है विद अ स्टैच्यू ऑफ अ ब्रास स्टैच्यू ऑफ टेगोर जो हैंडमेड होता है ठीक है वहीं पे एक और अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है टेगोर प्राइस फॉर सोशल अचीवमेंट इट इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द दोसाइटल वेलबींग एंड इंक्लूड्स अ कस्टम क्राफ्टेड ब्रास स्टैच्यू ऑफ टेगोर और इस साल ये अवार्ड दिया गया है इंडियन इकोनॉमिक्स इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिक जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी ठीक है एंड इन्हें दो में नोबेल प्राइज लुटरेट भी दिया गया था फॉर इकोनॉमिक्स ठीक है तो ये ध्यान में रखना है एंड अवार्ड सेरेमनी आपकी ये हेल्ड हुई थी

चंद्रयान थ्री मिशन के लिए ठीक तो हाँ है तो ठीक है ठीके? ये आपको ध्यान में रखना है नाउ अब यहाँ पे इसरो के बिहाफ पे जो इंडियन अम्बासडर है बाला सुब्रमण्यम श्याम उन्होंने इसे जो है रिसीव किया था इसके साथ साथ यहाँ पे और भी अवार्ड दिए जाते हैं जैसे लिव इरिक्सन अवार्ड ये मिला था अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बिल एंडर्स को लीव इरिक्सन यंग एक्सप्लोरर अवार्ड ये दिया गया था केले लिए ग्रैडिय ग्रैडरी को ठीक है देन लीव इरेक्शन एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री अवार्ड दिया गया है आपको लीवी जैक्सन को 2023 का फाइन नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन दिसंबर द इंडियन एक्ट्रेसेस आस्था रावल हैज won द 5th एडिशन ऑफ अ मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड पेजेंट हेल्ड इन डैश

तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जो पहली इंडियन बनी है जो इस गवर्निंग बी. और यहां पे इस के प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है पीट्रा इनका नाम है पीट्रा सोरलिंग एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में लोकेटेड है दो हजार उन्नीस में जो है स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे आप बाकी मेंबर्स इनके देख सकते हो ठीक है नाउ जो वीता दानी है एंड शी इज अ को ओनर ऑफ अ चिनियन फुटबॉल क्लब ठीक है uh, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पी एम मोदी विजिट टू सूरत गुजरात एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश इन मंथ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड अब पीएम मोदी जी जो है आपके सूरत और वाराणसी के जो है आपका विजिट uh, था वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इनग्रेशन किए हैं बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो है फाउंडेशन स्टोन भी रखा है तो वही चीज डिस्कस करेंगे तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है ड्यूरिंग हिज विजिट टू वाराणसी पीएम मोदी इनटेड दी सेकंड काशी तमिल समागम टू एट दी नमो घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनग्रेटेड दी स्टेट ऑफ आर्ट न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ अ सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सूरत गुजरात नेक्स्ट इज ही ऑल्सो इनोग्रेटेड दी सूरत डायमंड ब्रॉस वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न सेंटर फॉरनेशनल इन तीनों स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट नाउ यहां पर बात करेंगे पहले काशी तमिल समागम की ठीक है काशी तमिल समागम में यहाँ पे तमिल और पुण्डुचेरी से

वहां पे पे इसे लॉन्च किया गया था इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है सूरत की तो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है हमारी ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है जो सूरत एयरपोर्ट है उसको एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठीक है तो ये भी ध्यान में रखना है नाउ अब बाकी चीजों की बात करते हैं जैसे सूरत डायम डायमंड यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन में बात की ठीक है इसे इनोग्रेट किया गया है तो इसका जो एरिया है वो आपका है थर्टी एकड़ का ठीक है जिसमें नाइन टावर्स आपके जो है बनाए गए हैं जिसके अंदर 4,500 थाउजेंड की जगह है साथ में ही यहाँ पे जो ये आपका सूरत डायमंड है ये हमें प्रोवाइड करता है वन स्टॉप शॉप फॉर आर्टिसन वर्कर्स एंड एंड बिजनेसमैन ये जनरेट करेगा 1.5 पॉइंट फाइव न्यू जॉब्स तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ठीक है सूरत डायमंड ब्रॉज जो है ये बेसिकली जो ड्रीम सिटी था उसका एक पार्ट है विच इज डायमंड डायमंड रिसर्च एंड मर्चेंटाइल सिटी तो ये ध्यान में रखना है ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये ग्रीन बिल्डिंग है अब ये कैसे है बिकॉज इट कैन सेव ऑफ अ फिफ्टी परसेंट ऑफ एनर्जी एंड वॉटर साथ में ही इट हैज अस् स्ट्रक्चर एंड एंड विथ स्टन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक के मतलब से भी ये काफी जो है सेफ है इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, है कि यहाँ पे फीचर किया गया है पंच वर, पंच तत्व गार्डन ठीक है जो फाइव एलिमेंट्स होते हैं नेचर के वहां पे पंच तत्व गार्डन जो है वो शोकेस किया गया है ठीक है नाउ पे बात करते हैं सर्वेदा महामंदिर की पीएम मोदी जी ने जो यहाँ पे विजिट था उत्तर प्रदेश का वाराणसी का वहां पे सर्व सर्वद स्वर वेद महामंदिर जो है वो इनोग्रेट किया था अब ये है क्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है जिसमें लगभग बीस हजार लोग एक साथ जो है मेडिटेट कर सकते हैं ठीक है साथ में ही यहाँ पे हमें नोट करना है इसका नाम रखा गया है स्वर फाउंडर ऑफ अ विहानगम योगा ठीक है साथ में ही जो स्वर वेदा है वर्सेस ऑफ स्वर वेदा यहाँ पे इंस्क्राइब किए गए हैं जो ये महामंदिर है इनके uh, जो स्ट्रक्चर है इसके वॉल्स पे ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पीएम मोदी ने जो है वाराणसी यूपी में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है ठीक है उसी के बारे में देखते हैं लगभग यहाँ पे 19,150 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और यहाँ पे इन्हें इनोग्रेट किया गया है ठीक है पहला आपका है न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्राइगेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये यहाँ पे टेन करोड़ का जो है इसे पीएम मोदी जी द्वारा इनोग्रेट किया गया है ठीक है ऐसे ही यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया था धोरी धोरीगांठ माऊ मेन लाइन इलेक्ट्रिक को फिर 10000 10000 लोकोमोटिव बाय बनारस लोकोमोटिव वर्कर इसे भी फ्लैग ऑफ यहां पे किया गया था इसके अलावा यहां पे पीएम मोदी जी ने ग्रीनफील्ड शिवर फुलवारिया लहारता रोड जो है उसको भी यहां पे इनोक्रेट किया था अलोंग विद द टू रोड्स ओवर द ओवर ब्रिजेस एट अ कॉस्ट ऑफ 370 करोड़ ठीक है इसके साथ-साथ यहां पे स्मार्ट सिटी मिशन इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर यहाँ पे एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी जिसमें डिटेल टूरिस्ट टूरिस्ट है है साथ में ही यूनिफाइड पास सिस्टम भी जो है, वो भी जो वो इसमें शामिल है ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे जो फाउंडेशन स्टोन जो है रखे गए हैं लगभग आपके सिक्स करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपका सोलर पार्क शामिल है चित्रकूट का ठीक है 80 मेगावाट सोलर पार्क जिसका कॉस्ट आपका है फोर का, वहीं पे न्यू पेट्रोलियम ऑयल टर्मिनल में हाँ पे जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है साथ में ही 69 स्कीम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वन बेड कैपेसिटी क्रिटिकल केयर यूनिट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, है, है ट्रॉमा सेंटर वहां पे इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं सारे नाउ नेक्स्ट इज नेम द द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन डिलीवर्ड दिनलीवर एच सिक्स फोर ई अपाचे कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूज फ्यूजलेज की बात करते हैं फ्यूजलेज क्या होता है बेसिकली जो आपका हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो बॉडी होती है उसको फ्यूजलेज बोलते हैं तो वो यहाँ पे डिलीवर की गई है अब किसने डिलीवर की है टाटा ब्यूइंग एयर लिमिटेड ने ठीक है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, is, है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब इसमें से एक जो हेलीकॉप्टर है ये फरवरी 2024 में डिलीवर किया जाएगा बाकी बचे हुए अप्रैल 2024 में डिलीवर किए जाएंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसके साथ साथ अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली uh, अपाचे की बात हो ही रही है आपके हेलीकॉप्टर की तो ये भी जान लेते हैं ये आपका जो है बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है ठीक है और इसे बोला जाता है ये डेडलेस अटैक हेलीकॉप्टर है तो बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर है ये ठीक है इवन हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ये भी बाईस ए AH एच सिक्स फोर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो यूज कर रही है एट प्रेजेंट ठीक है अब बात करते हैं टाटा बियंग एयरोस्पेस लिमिटेड की

शी वॉज ऑनर्ड विद विदम भूषण फॉर सोशल वर्क तो जो मोहिनी गिरी है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इन्हें दो हजार सात में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था सोशल वर्क के लिए ठीक है आंसर आपका पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा 2014 में इन्हें जो है रोसेल वॉल्फ मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया था ठीक है 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ लीड सर्वे रिपोर्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन डिसेंबर 2023 तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है पहला स्टेटमेंट क्या है आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स अमंग दस्टल स्टेट इन टू सर्वे रिपोर्ट ठीक है देन नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड आर कैटेगराइज एज अ फास्ट मूवर्स अमंग दी लैंडलॉक स्टेट्स इन अ सर्वे रिपोर्ट देन मणिपुर मेघालय मिजोरम आर कैटेगराइज एज अ शिवर अमंग दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन दी दिफ्थ लीड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सर्वे रिपोर्ट तो यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक है इनकरेक्ट कौन सा है ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है, That is कि मिजोरम जो है, अब पे क्या अंडर ठीक है एस्पायर जो कैटेगरी है उसके अंडर इसको जो है कैटेगराइज uh, किया गया है ना कि अचीवर्स में ठीक है अब ये है क्या बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है थीके? इस सर्वे की

जो है डिटेल में देख लेते हैं देखो यहाँ पे जैसे कोस्टल स्टेट्स हो गया लैंडलॉक स्टेट हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया यूनियन टेरिटरीज हो गया तो ये चार आपके ग्रुप बनाए जाते हैं ठीक है अब इसमें ये कैटेगरीज आपकी होती हैं, ठीक है इस बार 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आपकी कैटेगराइज की गई थी अचीवर्स में देन 10 थी आपकी फास्ट मूवर्स की और तेरा थी एस्पायर की ठीक है कोस्टल स्टेट का हमने जैसे अभी पढ़ा आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु ये अचीवर्स में है देन फास्ट मूवर्स में आपके केरला महाराष्ट्र गोवा उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये एस्पायर में ऐसे ही लैंडलॉक जो है हरियाणा पंजाब तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश ये के लिस्ट में है मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड मूवर्स देन बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड ये एस्पायर में नॉर्थ ईस्टर्न में असम सिक्किम त्रिपुरा ये अचीवर्स में थे फिर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड फास्ट मूवर्स देन मणिपुर मेघालय मिजोरम ये एस्पायर में थे आपके ठीक है देन यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अचीवर्स में आपका नाम था चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ एंड दिल्ली का वहीं पे फास्ट मूवर्स दादरा नगर हवेली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये आपके एस्पायर में थे ठीक है ना इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे बताई गई थी यूनियन मिनिस्टर द्वारा कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है लॉजिस्टिक सेक्टर जो है बाय 2047 10 टाइम्स जो है इसकी ग्रोथ हो जाएगी अभी जैसे 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है तो टू 2047 तक ये आपकी 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी इट वाज स्टेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ठीक है नाउ नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग सब स्कीम वाज लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दैट इज रैंप प्रोग्राम बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र डाटुरा ने

एट मिलियन यूएस डॉलर ठीक है अब इसके अंडर भी 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये वर्ल्ड बैंक फंड करेगा और 308 मिलियन यूएस डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी ठीक है वहीं पे नेशनल एमएसएमई काउंसिल की अगर बात करें तो ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल बॉडी की तरह काम करेगी इस प्रोग्राम के अंडर ठीक है नाउ अब यहाँ पे जो स्कीम सब स्कीम लॉन्च की गई है उसे देखते हैं ठीक है अब जो ये पहली स्कीम है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम ये सपोर्ट करती है ठीक है

टेक्नोलॉजी ठीक है, है, है तो ये तीन सब स्कीम क्लियर हुई है आपको नाउ अब इनकी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगी जैसे फर्स्ट जो स्कीम आपकी है जैसे एमएसएमई गिफ्ट स्कीम और एम एसई स्पाइस स्कीम इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी है सिडबी वहीं पे जो आपका एमएसई ओडीआर स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर सर्विस ठीक है एनआई आई नाउ अब इसके साथ साथ नए इनिशिएटिव यहाँ पे जो आ, देखे गए थे विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एम जो है इन्होंने यहाँ पे जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम जो है ये बेसिकली फ्री कर दी है फॉर अ वुमेन लेड एस एम इसके साथ साथ जो सपोर्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी प्रोग्राम है It enables MSME innovators to commercialize their intellectual property rights, that is IPR.

अब नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश तो 2024 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स ठीक है आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वहीं पे अगर 2023 की बात करें 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने पढ़ा था ठीक है 2022 का बात करें ठीक है तो 2022 में ये था आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास ठीक है देन 2021 में ये था आपका क्रिएटिव इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर इससे पहले 2020 में इंटरनेशनल ईयर 2020 में ये था आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ एंड 2019 में ये था इंडिजीनियस लैंग्वेज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं आपको क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकता है ठीक है नाउ अब यहाँ पे स्लोगन क्या था इंटरनेशनल ईयर ऑफ Uh, कैमिलेट्स का हैं जैसे 2017 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि डिक्लेयर करेंगे 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट रिकमेंडेशन ऑफ अ एफ याद रखना है नाउ अब जो रेजोल्यूशन था ये प्रपोज किसने किया था गवर्नमेंट ऑफ बोलीविया ने एंड

ठीक है आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया था मुक्तेश के प्रदेशी ने जो सेक्रेटरी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ठीक है नाउ अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की तो इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं एम पॉप जो फर्स्ट वुमेन बनी है डायरेक्टर जनरल आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है नाउ यहां पे जो ये प्रोजेक्ट आपका था प्रयास इसको जो है दिसंबर 21 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था ठीक है अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ठीक है आईओएम डेवलपमेंट फंड असिस्टेड प्रोजेक्ट एनविसेज डेवलपमेंट ऑफ अ रोड मैप फॉर इंप्रूवड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्न सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एनकरेज शेयरिंग ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन स्टेट्स एंड एनहानस एंगेजमेंट विदिनल अफेयर्स ऑन दी मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन साइकिल तो इनका काम क्या है बेसिकली की रोडमैप को डेवलप करना जिससे जो आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ठीक है इनके बीच में जो इंगेजमेंट है वो ठीक हो सके या वो अच्छी हो सके एडवांस हो सके ठीक है और कौन से मैटर से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड ठीक है नाउ अब ये जो joint, जो जॉइंट प्रोजेक्ट है ये जॉइंट कोलाबोरेशन किसका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का अलोंग विद योर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ठीक है इसके साथ साथ जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इसका मेन अदर ऑब्जेक्टिव क्या है द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एंड माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क ठीक है ये अटेयर करेगा इन इन सब चीजों को ठीक है तो ये ध्यान में रखना है आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली डिसम्बर द किंग ऑफ भूटान जिग्मे जिगमेर नमग्याल हैज अनाउंस अ गेल माइंडफुलनेस सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन प्रोजेक्ट ऑन दी वन नेशनल डे ऑफ भूटान जो आपका सेवनटीन दिसंबर को मनाया गया था दिस प्रोजेक्ट कवर्स ओवर वन थाउजेंड किलोमीटर एरिया इन अ भूटान बॉर्डर्स द इंडियन स्टेट ऑफ डैश तो कौन सी इंडियन स्टेट से ये इसकी बॉर्डर जो है लगती है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज असम से ठीक है आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नाउ अब इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं ठीक है ये जो प्रोजेक्ट है ये मेगा इंटरनेशनल सिटी का प्रोजेक्ट है

गैलफू ट्रांस ट्रांसफर्सिंग असम एंड वेस्ट बंगाल और ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया एंड सिंगापुर को ठीक है आने वाले टाइम में इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इन्होंने बोली बोली थी डैट इज कि ये जो प्रोजेक्ट है इट आल्सो इंक्लूड्स द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर भूटान जो आपका गैलाफू में बनेगा ठीक है नाउ अब यहाँ पे एक स्टार्टिक क्वेश्चन बन सकता है कि भूटान जो है भूटान की जो बॉर्डर है वो कौन कौन से इंडियन स्टेट से लगती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो पहला आपका हो गया सिक्किम देन ये वेस्ट बंगाल फिर आ जाता है आपका असम और ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो ये सारे स्टेट से भूटान की बॉर्डर लगती है वहीं पे भूटान की कैपिटल पूछी जा सकती है तो ये आपकी थिंपू है ठीक है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी साइन लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ओडीए लोन्स डैश फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया तो यहां पे कितना अमाउंट का कितना यन का कितने जो है लोन साइन किया गया है तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फोर लाख फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन मिलियन का ठीक है आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी अब इसमें से जो मुंबई अहमदाबाद हाई रेल स्पीड है इस प्रोजेक्ट के लिए आपका फोर लाख मिलियन यन का लोन दी यहाँ पे यूज होएगा वहीं पे जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसके लिए फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन मिलियन यूज किए जाएंगे ठीक है अब पे बात करें जी आई सी ए की स्विश के प्रेसिडेंट है टानका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में लोकेटेड है जिसे 1974 में जिसेब्लिश किया गया था ठीक है नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो इनमें से कौन सी आपकी कौन सी आपकी बैंक है जिन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो आंसर इज इज ऑप्शन नंबर सी इट एक्सिस बैंक और इस कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक प्रिवलेज एक्सिस बैंक प्रिवलेज क्रेडिट कार्ड ठीक है नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपकी 18 टू 70 इयर्स की यहाँ पे जो है आपकी एज एलिजिबिलिटी है वहीं पे नेट इनकम जो है वो होनी चाहिए आपकी 6 लाख और मोर ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर मुंबई है टैगलाइन क्या है बढ़ती का नाम जिंदगी नेक्स्ट इज विच अमंगोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विदेफिट ऑफ अटल इंश्योरेंस प्लान तो ट्यूलिप मीनस टर्म प्लस

कोटेक लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनका नाम है महेश बाला सुब्रमण्यम और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ग्रांटेड अ वन टाइम एग्जामेशन to LIC to achieve dash minimum public share uh, shareholding that is MPS within a 10 years from the date of listing till May 2032. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा minimum public shareholding कितनी रखी गई है 25% की तो आंसर इस ऑप्शन नंबर बी ठीक है Now next is which among the following

ऑप्शन नंबर सी द बिकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली दिल्ली हैज 2023 डेली डेली तो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई ऑल ए बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है e, A, इंडिया के यहाँ पे सिक्स आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जो है उन उनको ये यह अवार्ड यहाँ पे दिया गया है पूरी लिस्ट अभी हम देखेंगे ठीक है देखो पहला आपका है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे जो ये कैटेगरी है आपकी इस कैटेगरी में इंडिया का जो है केरला का टेम्पल जैसे आ, कर, आ, इसका नाम है कर्णिकारा मंडपम जो आपका लोकेटेड है केरला इंडिया में उसे यहाँ पे जो है आ, ये अवार्ड दिया गया है इसके साथ साथ चाइना के यहाँ पे दो प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं फैलिंग को, आ, गोल्फ श, कोर्स एंड डॉगेनो डौगेन, गार्डन रेजिडेंस इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है अवार्ड ऑफ मेरिट ये दिया गया है इंडिया के तीन प्रोजेक्ट्स को जैसे चर्च ऑफ एवी जो आपका हरियाणा लोक में लोकेटेड है देन डेविड सेसन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम जो आपका मुंबई इंडिया में लोकेटेड है एंड बीकानेर हाउस इज लोकेटेड इन न्यू डेली ठीक है इसके अलावा स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अगेन केरला के टेम्पल को भी यहाँ पे शामिल किया गया है और इसके साथ नेपाल का आपका सिकामिकेन एंड पीपल हवेली जो आपका पंजाब इंडिया में लुकेट है वो भी इसमें शामिल किया गया है ठीक है इसके साथ साथ चाइना का आपका एरलो साइट म्यूजियम ऑफ एक्सा कैपिटल ये पे अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स में शामिल किया गया है ठीक तो है, है। तो टोटल यहाँ पे ट्वेल्व प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं और इंडिया के यहाँ पे जो छह प्रोजेक्ट हैं उनको आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो ठीक है क्वेश्चन इज इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल टू रिसीव दी वर्ल्ड स्पेशल प्राइज से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसे स्पेशल प्राइज दिया गया है इंटीरियर के लिए तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंगलोर का जो आपका कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ठीक है उसके टर्मिनल टू को ये अवार्ड दिया गया है अब यहाँ पे बात हो रही है पेरिक्स वर्सिलीज की तो बेसिकली यहाँ पे ये यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें यहाँ पे अवार्ड देती है ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड देती है पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं जैसे इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है जिरोम गोआ डेन एंड इसका हेडक्वार्टर का फ्रांस में लोकेटेड है जिसे दो में स्टाब्लिश किया गया था ठीक है अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की बात कर लेते हैं जैसे हमने पहले बात किया अभी एयरपोर्ट की ठीक है तो एयरपोर्ट कैटेगरी के अंदर इंडिया का जो बैंगलोर का एयरपोर्ट है उन्हें उसे स्पेशल प्राइस फॉर इंटीरियर दिया गया है वहीं पे एक्सटीरियर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं पे प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड दिया गया है शेनजेन बाउ एंड बाउन, बाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चाइना को ठीक है देन यहाँ पे ऐसे ही पैसेंजर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे तीन अवार्ड दिए गए हैं ठीक है स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन तीन ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पे चाइना का दिया गया, है, ऐसे यहाँ पे दिया गया है कतार के स्टेडियम को ठीक है नाउ यहाँ पे फिर आ जाता है कैंपसेस की तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस को यहाँ पे जो है इन्होंने अवार्ड uh, uh, या टाइटल यहाँ पे दिए हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट नेम द पर्सनलिटीटली प्रेसिडेंट कौन बनाए गए है? पहले आ, थे, थे अभी कौन है अभी इलेक्ट किए गए हैं संजय कुमार सिंह ठीक है आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब इसके साथ साथ ठीक है यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ अलग यहाँ पे डिफरेंट जैसे सेक्रेटरी जनरल इनको अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है प्रेमचंद्रेजर सत्यपाल सिंह

हमारा वर्ल्ड बास्केटबॉल डे हमने ऑब्जर्व किया है 21 दिसंबर 2023 को अब 21 दिसंबर ही डेट क्यों चुनी गई है क्योंकि 1891 में 21 दिसंबर को बास्केटबॉल पहली बार खेला गया था इंटरनेशनल यंग मेंस क्रिश्चियन क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो आपका ट्रेनिंग स्कूल था वहां पे इसे फर्स्ट टाइम खेला गया था 1891 में इसी वजह से 21 दिसंबर डेट डेट जो है फाइनल की गई है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बास्केटबॉल डेवलप किसने की थी डॉक्टर जेम्स ने

ठीक है अब इसमें जो है इकतीस मेंबर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर उनको यहाँ पे जो है इलेक्ट किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है अब यहाँ पे जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसे जनवरी 2020 में बनाया गया था पहली बार और किसने यहाँ पे इसे बनाया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ठीक है किस चीज के लिए बनाई गई थी टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एनहांस एक्सेस टू कैपिटल फॉर स्टार्टअप ठीक है। नेक्स्ट विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वॉज एवर ग्लोबल से कौन सी आपकी जिन्हें बनाया गया है है? का? तो दीपिका पादुकोण को, ठीक अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिस्लेरी की बिस्लेरी जो है वो एक इटालियन कंपनी थी आपकी जिसने जो है अपनी शुरुआत की थी नाइनटीन में ठीक है अब नाइनटीन में ही इंडिया में भी इसे लॉन्च किया गया था और यहाँ पे जो 1969 का दौर आया तो इसमें जो इंडिया की पार्ले ग्रुप है ठीक है उन्होंने इसे एक्वायर कर लिया और तब से ये जो है इंडिया की कंपनी बन गई ठीक है अब यहाँ पे इसके सीईओ बात कर लेते हैं बिस्लेर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ कौन है इनका नाम है एंगलो जॉर्ज और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अपडेटेड आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑफ अ थ्रेटनिंग

से सारे स्टेटमेंट जो आपके हैं वो करेक्ट है तो e, यह आपको ध्यान में रखना है नाउ यहाँ पे बाकी जो स्पीशीज जिनके स्टेटस चेंज किए गए हैं वो देख लेते हैं जैसे लेक लेकुर रॉबर जो लीस्ट कंसर्न से वर्नरेबल किया गया है देन बिग लीव की बात करें तो ये एंडेजेंट स्पीशीज इसका जो स्टेटस है वो एंडेजेंट कर दिया गया है वर्नरेबल से देन साइगा एंटीलोप अगेन इट इज क्रिटिकली एंडेजर्ड से नियर अटेंड कर दिया गया है देन नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्रीमेटर ऑनर्ड ठीक है ये आपका एंडेजन स्टेटस इसका अपडेट कर दिया गया है देन ग्रीन टर्टल

ठीक है जो क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी में ठीक है एंड विच अफेक्ट्स द मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज अक्रॉस स्पीशी ग्लोब इसके साथ साथ जो असेसमेंट यहाँ पे किया गया है यहाँ पे ये यह बताता है कि क्या क्या थ्रेट्स जो है इम्पैक्ट थ्रेट्स के होंगे इंपैक्ट होंगे थ्रेट्स के ठीक है जैसे आ, जो आपका समुद्र का जो लेवल है सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा फिर अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उससे रिवर का लेवल भी बढ़ जाएगा ठीक है नाउ फिर यहाँ पे जैसे हम आजकल देख रहे हैं प्रॉब्लम जो हमारे सीजन है वो एक्चुअल टाइम पे ना आके थोड़े लेट आ रहे हैं ठीक है थीके? तो ये शिफ्टिंग हो रही है सीजन की फिर पॉल्यूशन का भी दिक्कत आ रहा है ओवर फिशिंग डिजीज तो ये सारे यहाँ पे असेसमेंट किए जाते हैं ठीक है नाउ अब बात करते हैं आयु सी एन की तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इनका नाम है ग्रितेहल एग्विलेर प्रेसिडेंट इसके हैं आपके रजान अल मुबारक एंड हेडक्वार्टर इसका है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ठीक है Next is the National Mathematics Day is annually celebrated across India on 22nd December to commemorate the birth anniversary of which Indian mathematician? So 22nd December को हम observe करते हैं birth anniversary श्री निवासा रामानुजन जी की ठीक तो है तो answer यहाँ पे आपका हो जाएगा option number B. 1887 में इनका जो है जन्म हुआ था in the uh, Madras प्रेसिडेंसी जो जिसे हम अभी तमिलनाडु के नाम से जानते हैं ठीक है अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि इस साल हमने इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व ऑब्जर्व की है और सबसे पहले नेशनल मैथमेटिक्स डे जो था था वो किया गया था आपका दो है नाउ अब इनके बर्थ बर्थ डे पे या इस ओकेजन पे ठीक है बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे शास्त्र रामानुजन अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं ठीक है और इस साल 2022-2023 के अवार्ड दिए गए थे ये दिए गए थे यू क्विंग टांग एंड रू क्यूआंग जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मैथमेटिशियन है ठीक है ये आपको याद रखना है साथ में ही यहाँ पे जो आपके अवार्ड दिए गए थे ये आपके जो है तमिलनाडु में दिए गए थे ठीक है अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो शास्त्र अवार्ड है इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी ठीक है यहाँ पे कैश प्राइज अवार्ड में दिया गया है 10,000 यूएस डॉलर का लॉन्ग विद साइटेशन एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपके मैथमेटिशियन है ये जो पर्सन है उनकी एज थर्टी टू होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए ठीक है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए जो है आउटस्टैंडिंग होना चाहिए इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे आप जो है इन दोनों मैथमेटिशियंस की इमेज देख सकते हो ठीक है

आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो पंचमक स्टडीज जीरो जीरो सेवन एट डॉट कॉम पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं सो so, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस